आसमानों को आशिकों को बुला के सारी रात दुहाइयों में लगा दी और एक लम्हे के लिए भी किसी को बिठा के ये नहीं पूछा कि हुजूर देने क्या आए थे, वो तो बताओ, उसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि आलिमों की छुट्टी जरूरत ही नहीं, इन आशिकों को उलमा की जरूरत नहीं है, इसलिए कि इन्हें वो चाहिए नहीं जो हुजूर देने आए थे, तो वो तो उलमा ही देंगे ना भाई, ये थोड़ी देंगे तो उलमा बताएंगे, क्योंकि वो उलमा ही ये चीज पढ़ते हैं जो हुजूर देने आए थे। तो कुरान कह तो रहा है कि देखो मेरे रसूल इसलिए आए, मैंने इसलिए भेजा है, और इन्होंने ये बना दिया खाली कि बस हमारे फरियाद का ताल्लुक है, हमारे रोने धोने का, हमारे और इस चीज में जगाने का, बस यही सब कुछ है, काम बन गया नहीं। हुजूर तो ये पूछेंगे मेरे उम्मती, मैं जो दीन लेकर आया था वो तू मेरे पास वापस लेकर आया है नहीं, तो बंदा पिता है मैं जान कर देखेगा यार रसूल दीन तो नहीं है, तो फिर क्या लेकर आया, तो इसलिए दीन का पूछेंगे। कबर में पहला सवाल ये होगा, सबसे पहले ये सवाल, माँ दीन तेरा दीन क्या है, तेरा दीन कहाँ है, क्या है और कहाँ है, तो इसलिए ये बात बोलते हैं याद रखो। कहने का मकसद ये है कि तालीम से वाकिफ मत हो, और खाली तालीम के बगैर और किसी चीज पर डिपेंड मत करो, सारा ना सारा दिल लगाओ, तालीम सबसे पहले ये जरूर सीखो और समझो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दिया है, और कोई भी अपने महबूब का तोहफा जो है सबसे पहले उसको कबूल करता है, जो सच्चा आशिक होता है वो अपने महबूब का तोहफा पहले वसूल करता है, बाद में दूसरी बात करता है। तो हुजूर ने फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखें उठने लग गए, ये बहुत बड़ा तोहफा आपने अदा फरमाया। तो यहाँ पर फरमाया कि आप तिलावत करते हैं और तुम्हारा तज़किया करते हैं, तज़किया का मतलब पाक करना, साफ करना, पाकीज़गी, नफ्स की पाकीज़गी, दिल की पाकीज़गी, बातनी पाकीज़गी, जब ये अंदर दिल और ये मन पाक हो जाता है तो फिर बात बनती है। दीन का मजा आता ही जब जब अंदर से मन पाक हो, और फिर आदमी इस तरह दीन पे चले, इसलिए उसको पहले बयान कर दिया। दूसरी जगह अगर जिसको बाद में बयान किया मगर ये आदत है, ये है बड़ी बुनियादी चीज, तो आगे पीछे रखकर ये बता दिया कि मकसद यही है सारा कि तुम्हारा मन पाक हो जाए, मन की पाकी जरूरी है। इकबाल ने कहा था तंग की दुनिया, तंग की दुनिया सूद और सौदा मकरो, मन की दुनिया, मन की दुनिया कैफ और मस्ती जज्ब और शौक, मन की दौलत हाथ आ जाती है तो फिर जाती नहीं, और तन की दौलत छांव है आता है धन जाता है धन, ये मन की दौलत वो है जो नफ्स के तज्के से, और तन की दौलत वो है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो हुजूर मन की दौलत देने आए और हम तन की दौलत मांगते रहते हैं, है ना, हम पैसे की फरियाद करते रहते हैं, या रसूलुल्लाह खजाने खाली हो गए, या रसूलुल्लाह बेरोजगारी बढ़ गई, या रसूलुल्लाह परेशानी बढ़ गई, या रसूलुल्लाह कोई सहारा नहीं है, नहीं है कोई जीने का सहारा, या रसूलुल्लाह ये कौन से सहारे की बात कर रहे हैं। तो हुजूर ने जो सहारा दिया हुआ वो सहारा तो पहले वो सहारा ये है कि आपने जो मन को हमारे संभाला दिया है, अगर हम उस चीज के जरिए से अपने मन को संभाल लें तो संभालन सबसे बड़ा सहारा ही। तो याद रखिए हमारी तवज्जो इससे जरूर लेनी चाहिए, सब की को, और हुजूर ने तो बड़ी शानों के साथ ये दौलत लुटाई, किसी को दुआ दे के लुटाई, लुटाने के अंदाज में से एक अल्लाह ने अदा किया, क्योंकि नमन का सिमन
अल्लाह ही होती है जब मैं तो तकसीम करने आया हूँ, देने वाला तो वो है, वो क्या क्या दे सकता है, बस उसकी तरफ नजर करो। जब वो सब कुछ दे सकता है, जब मैं तो उसके भरोसे पे उसकी अता से सब कुछ तकसीम कर सकता हूँ, मैं सब दे सकता हूँ, तुम लेने वाले तो बनो। चुनांचे आपने नजरों से भी काम किया, किसी पर नजर डाली तो तस्की होगी, किसी पे ऐसे दस्तक दस फेरा तो तस्की होगी, उसकी मांग को बिल्कुल पाक कर देना। एक शख्स आया कहने लगा, यार सुबह मुझे सेना की इजाजत दे दें, मेरा नफ्स बहुत बिगड़ा हुआ है, वो नहीं मानता तो मेरे लिए इसको हलाल ही रख दें ताकि मैं आराम से बैठा रहूं। इतना बेचैन हो उस तरह, इतना बिगड़ा हुआ नफ्स, इंसान जब नफ्स बिगड़ जाए ना तो यह शैतान बन जाता है, हैवान बन जाता है, हर वक्त है इसको ख्वाहिश चाहिए। तो उसने बकाया इजाजत कहा, मुझे सेना की इजाजत दे। सामने ग्राम को बड़ा गुस्सा है, कैसा गली सवाल करता है, इतनी पाकीज़ा बात था, उठा कहता है मुझे जिना की इजाजत है, जो साथ है ऐसी पाकीज़गियाँ उतर ताते हमें अदब फरमाने के लिए आया, ये उनसे नापाकी के सवाल कर रहा है उसके लिए। तो साहबा को बड़ा गुस्सा आया, उसने रोक दिए, रुक जाए, लोग मरीज थे बीमार थे, हुजूर तो तबीब थे, तबीब को मरीजों पर गुस्सा थोड़ी आता है, तबीब तो मरीजों का रहम करता है और इलाज करता है। तो हुजूर ने फरमाया, इधर आओ। उस नौजवान को आगे बुलाया, पहले तो नफ्सियाती तरीके से समझाया, पहले उसके जहन को समझाया, ये बीमारी जहन की भी है दिल की भी है। तो उसके जहन को ये समझाया कि देखो तुम जिस औरत के साथ भी ऐसा काम करोगे, पहले तो ये बताओ कि क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारी बहन माँ बेटी वगैरह वगैरह किसी के